डॉक्टर शफक अजमत। आज मैं बात करूंगी कि छोटे बच्चों की यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज की वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। आप चाहें तो उनकी पैदाइश से पहले भी मेडिसिन लेके अपने पास एक किट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप बच्चे को जब आपके पास कोई भी इस तरह का मसला होगा तो फौरन आपके पास ये मेडिसिन मौजूद होंगी, क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, उनको कोई ना कोई इशू किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पैदाइश के फौरन बाद डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के लिए विटामिन डी के ड्रॉप्स। ठीक है, ये आपने अपने पास लाजमी रखना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने ऐसे विटामिन डी के ड्रॉप्स रिकमेंड किए थे और आज माशाल्लाह वो 2 साल का होने वाला है और मैं आज तक उसको ये दे रही हूँ विटामिन डी के ड्रॉप्स। ये आपने ड्रॉप्स बच्चे को 13 साल की उम्र तक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने बच्चे को 2-2 ड्रॉप देने हैं विटामिन डी के नाश्ते के बाद। याद रहे कि नाश्ते के बाद देने हैं, दोपहर में या रात में नहीं देने। ठीक है, और आपने ये नाश्ते के बाद बच्चे को ड्रॉप्स देने हैं विटामिन डी के ड्रॉप्स। फिर उसके बाद आ जाता है कि छोटे बच्चों में इशू हो जाता है पेट के दर्द का, और वो मोस्टली शाम के वक्त या रात के वक्त बहुत ज़्यादा रोते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज का मैं बता रही हूँ कि वो शाम के वक्त या रात के वक्त बहुत ज़्यादा रोते हैं, किसी तरह चुप नहीं होते। तो मोस्टली बेबीज को कॉलिक पेन होता है, यानी कि पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो अपनी गैस पास नहीं कर सकते जो वो मिल्क के साथ इनहेल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको अपने पास रखने हैं ये कॉलिक ड्रॉप्स। ठीक है, ये आपने लाजमी अपने पास रखने हैं। ये काफ़ी ब्रांड्स के आ जाते हैं, डाइगैस के होते हैं, ब्रिक्स के होते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप जिस कंपनी के लेना चाहें, बस कॉलिक ड्रॉप्स आप अपने पास रख लें। ठीक है, और बच्चे को जिस टाइम पे बच्चा रोए उस टाइम पर तो आपने देने ही हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको एक तो पता चल जाता है कि बच्चा किस टाइम पे रोता है, रोज़ाना एक रूटीन बन जाती है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है आस्ते आस्ते उसकी रूटीन ख़त्म हो जाती है और वो सेट हो जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो अपनी गैस इजीली पास कर सकता है। तो जैसे ही आपको पता चल जाता है कि बच्चे की ये रूटीन बन गई है, यानी कि ये मामूल है, इस टाइम पर ये रोता है, तो आप उससे कुछ टाइम पहले बच्चे को कॉलिक ड्रॉप्स दे दें, इंशाल्लाह उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि छोटे बच्चों में नज़ला ज़ुकाम हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों का नोज ब्लॉक हो जाता है। अब बच्चों का जब नोज ब्लॉक होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, ना वो फीड ठीक तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, और बस उनको, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी नोज ब्लो नहीं कर सकते, खुद से अपना जो नाक है वो साफ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपने अपने पास रखने हैं नॉर्सलाइन पी ड्रॉप्स। ठीक है, ये आपने अपने पास रखने हैं। इससे इसमें आपने क्या करना है कि हर फीड के बाद आप 2-2 कतरे बच्चे की नाक में डाल दें। ठीक है, उससे एक तो फीड भी उसकी वो ईजिली ले लेगा, इसके क्योंकि वो जब उसका नोज खुल जाएगा तो वो अच्छे तरीके से फीड ले लेगा। लेकिन अगर बच्चे का नोज ब्लॉक होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है यानी कि बलगम होता है नाक के अंदर, तो आप ये 2-2 कतरे डालें। उसके बाद आपने ये सक्शन बल्ब लेना है। ठीक है, और इसको ऐसे पीछे से आप प्रेस करेंगे ऐसे करके, और बच्चे के नोज में डालना है आपने तिरछा करके, इस तरह बिल्कुल सीधा नहीं डालना बल्कि हल्का सा तिरछा करके आप डालेंगे, और बच्चे की नोज में डाल के आपने इसको पीछे से छोड़ देना है। वो क्या करेगा, जैसे ही आप पीछे से इसको छोड़ेंगे, नाक में जितना भी बलगम होगा या जितना म्यूकस वगैरह होगा ये उसको खींच लेगा, तो बच्चा बहुत ज़्यादा पुरसकून हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों को बुखार हो जाता है। ठीक है, अब फौरन बुखार के लिए किसी वक्त भी बच्चे को बुखार हो जाता है या रात को हो जाता है, और आपके पास घर में पेनाडॉल या कालपोल के ड्रॉप्स हमेशा मौजूद होने चाहिए। ठीक है, पेनाडॉल या कालपोल ड्रॉप्स आपने अपने बच्चे को फौरन देना है, उसी के ऊपर डोजेज लिखी हुई होती है बॉटल के ऊपर, तो आपने अपने बच्चे की वेट और एज के मुताबिक आपने उसे पेनाडॉल या कालपोल ड्रॉप्स लाजमी देने हैं। फिर उसके बाद अब बच्चों का मोस्टली देखा गया है कि सर गर्म होता है, बाकी जो बॉडी होती है वो इतनी गर्म नहीं होती, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे बुखार है और हम उसे मेडिसिन दे देते हैं। इसके ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है कि बच्चे को बुखार नहीं है और आप फिर भी उसे मेडिसिन दे रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने अपने पास रखना है ये डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, ये बहुत आपके काम आएगा और ये आपको फार्मेसी वगैरह से ईजिली मिल जाएगा, ये आपने अपने पास रखना है। ठीक है, इससे आप अपने बच्चे का जो टेम्परेचर है वो फौरन मालूम कर लेंगे। ठीक है, इसका ये बटन होता है बीच में ये वाला, इसे आप प्रेस करेंगे और फिर ये आप उसके आर्मपिट में इस जगह पर रख देंगे, और फिर उसके बाद जब ये बीप देना शुरू करेगा तो आपने इसे निकाल लेना है, और इसके ऊपर जो स्क्रीन बनी हुई होती है उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि कितना
बच्चे का टेम्परेचर है या कितना बुखार है, बुखार है या नहीं है, ठीक है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा, बुखार होता है तो आप उस पैनाडोल या कारपोल के ड्रॉप्स दे सकते हैं, बुखार नहीं है तो आपको फिक्र होने की जरूरत नहीं है। तो ये थी वो चीजें जो मैंने अपने बेटे के लिए भी यूज की, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप चाहें तो आप इसे किसी दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि ये किसी ना किसी के काम आ सके और ये सदका जारिया हो हम सबके लिए। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।